सुभाष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर सुभाष। तो आज से वो टाइटल आप लोगों ने देख लिया कि आज आपको मैं क्या बताना हूँ। सभी को पता है कि सरपंच चुनाव नज़दीक में है, ऐसे में पेपर में छपा है कि पंच ही अब सरपंच चुनेंगे, तो एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है जनता के लिए जो सरपंच के लिए चुनाव खड़े होते हैं, जो सरपंच का चेहरा देख के वोट डालते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया, लेकिन न्यूज़पेपर में छप चुका है कि अब पंच ही सरपंच चुनेंगे। जैसे कि सभी को पता है महापौर पार्षद चुनने वाले हैं, वैसे ही नया नियम लागू किया जा सकता है ग्राम पंचायत के चुनाव में कि अब पंच ही सरपंच चुन सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसके साथ बेल आइकन आए उसे भी ऑल करके प्रेस कर दिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक कीजिएगा। तो अब सरपंच भी पंच ही चुनेंगे, तो आप देख सकते हो अब सरपंच ही पंच ही चुनेंगे। इसका फुल डिटेल आपको मैं आगे बताता हूँ। तो एक बार फिर से आप लोगों को मैं बता दूं कि ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, ऑफिशियल अभी तक इसका कोई भी खबर नहीं आया है, लेकिन न्यूज़ पेपर में छपा, इसलिए आप लोगों को मैं बताना जरूरी समझा। छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष व नगर निगम के महापौर की तर्ज पर अब ग्राम पंचायतों के सरपंच का चुनाव भी कराया जा सकता है। नगरीय निकाय के बाद पंचायत का चुनाव भी बदलाव संभव किया जा सकता है। अब प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की तैयारी चल रही है। निर्वाचित पंच ही अपने से किसी एक पंच को सरपंच चुनेंगे, उसके लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संबंधित छत्तीसगढ़ के पंचायती राज के अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा। राज्य सरकार विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में इस संबंध में संशोधन विधेयक ला सकती है। प्रदेश में वर्तमान में पंच सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्राणी मतदाताओं से कराया जाता है, तो बदलाव संभव है। छत्तीसगढ़ सरकार अभी तक विचार कर रही है आखिर करना है कि नहीं करना। तो इसमें लिखा हुआ है कि पंचायत चुनाव जनवरी फरवरी में प्रस्तावित। तो सभी को बहुत ज़्यादा सस्पेंस है पंचायत चुनाव को लेकर कि आखिर कब होगा पंचायत चुनाव। तो इसमें लिखा हुआ है पेपर जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों के लाया है कि इसमें लिखा हुआ है जनवरी फरवरी में प्रस्तावित। तो पंचायत चुनाव जनवरी फरवरी में हो सकता है, अगर दिनांक का अनाउंस होता है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का जो पहला न्यूज़ था ये था, आप लोग जरूर बताइए कमेंट में आपको क्या चाहिए कि पंच ही सरपंच चुने कि जनता ही सरपंच चुनेगा, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए। आज से तो दूसरा न्यूज़ है वो किसानों के लिए जो है मंडी को लेकर। सभी को पता है कि मंडी 15 नवंबर को चालू होने लगा था, जिसके पास किसानों अपने धान को मंडी बेचने के लिए ले जाने वाले थे, लेकिन एक नई खबर निकल के आई है छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कि 1 दिसंबर से होगी धान खरीदी की शुरुआत, 85 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य। तो अब समय बदल दिया गया है, दिनांक बदल दिया गया है, 15 नवंबर के बजाय अब 1 दिसंबर को धान खरीदी शुरू होगी। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अब 15 नवंबर के बजाय 1 दिसंबर से शुरू होगी। मंत्रिमंडल उप समिति की अनुशंसा के बाद सरकार ने फैसला कि पहले 15 नवंबर से खरीदी की शुरुआत होने वाली थी, इसी साल 85 लाख मीट्रिक धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। तो आप जरूर याद रखें कि अब 1 दिसंबर से मंडी खुलेगा, उसके बाद ही आप किसान लोग धान बेच सकते हो। तो इसमें बदलाव करते हैं, बारिश के चलते कटाई में देरी को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है। राज्य सरकार ने इस बार लगभग 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य भी रखा हुआ है। तो इसमें आगे कहा गया कि 38 लाख मीट्रिक धान की ज़रूरत होती है, बाकी से जो धान खरीदी का लक्ष्य है उसे खरीदी को लेकर चर्चा केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि हम पूरा धान खरीदना चाहते हैं। बैठक के बाद चर्चा में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले जो वादा किया है सरकार उस वादे को पूरा करेगी। 2500 रुपये कीमत की साथ ही किसानों को धान खरीदा के जाए, PDS से लगभग 25 लाख मीट्रिक टन चावल लगता है और उसके लिए 38 लाख मीट्रिक टन चावल की ज़रूरत है, बाकी शेष जो धान खरीदी का लक्ष्य है उसी खरीदी को लेकर आग्रह किया कि पूरा धान खरीदना चाहते हैं। कि इस तरह से पूर्व में 24 लाख मीट्रिक टन उसना चावल जमा करने की अनुमति हमें मिली थी, इस तरह से कहा गया कि मंत्रियों के द्वारा ये कहा गया है जो आप लोगों को अभी बताया वो मोहम्मद अकबर और अमरजीत भगत द्वारा कहा गया है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जो भी पूछते हैं जल्दी पूछो, आप लोग कमेंट नहीं करते हो कमेंट किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, जय हिंद जय छत्तीसगढ़।